बच्चों गुड इवनिंग। आज बच्चों हम लोग चैप्टर 9 हंसना सीखो हिंदी में करेंगे। चैप्टर 9 हंसना सीखो। ओके चिल्ड्रेन, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, आज बुक वर्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके चिल्ड्रेन, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। कविता की वे पंक्तियां लिखें जिनका अर्थ है। कविता की पंक्तियां हमको लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेस दिया हुआ है, तो कविता की वो पंक्तियां यहाँ पर हमको लिखनी है जिसका ये अर्थ होगा। तो पहली पंक्ति में है चुपचाप मत रहो, तो वो कविता की कौन सी पंक्ति है, गुमसुम रहना छोड़ो। आप देखो कविता में लिखा है गुमसुम रहना छोड़ो, ठीक है, तो इसका अर्थ है चुपचाप मत रहो यानी गुमसुम रहना छोड़ो। नेक्स्ट है मुसीबत में भी धैर्य रखना। खा वाला देखो, मुसीबत में भी धैर्य रखना मैंने समझाया है पोएम में, इसका अर्थ होगा कांटों में भी सब कुछ सहना सीखो। ये पोएम की लाइनें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ कि कविता की वे पंक्तियां लिखें जिनका अर्थ है, अर्थ बुक में दिया है उससे मिलती जुलती कविता की लाइनें हमको अपनी बुक में लिखनी है, ठीक है। ग नंबर है बीती हुई बात को भूल जाओ, यानी कविता में इस सेंटेंस का मतलब है कविता में कि बीत गया जो भूलो उसको। ओके चिल्ड्रेन, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में, सही या गलत का चिन्ह लगाएं, राइट या रॉन्ग, ठीक है, सही या गलत का चिन्ह लगाएं। इसमें सही क्या है और गलत क्या है, जैसे महको मत, ये क्या गलत है कि सही है। महको, हमें तो महकना चाहिए अपने कार्यों से, है अपने अच्छी अच्छी बातों से महकना चाहिए। महको मत लिखा तो यानी कि ये क्या होगा, गलत होगा, हमें महकना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप रॉन्ग कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं आंसर कर रही हूँ, ये आंसर है सही या गलत क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पहला होगा महको मत, ये होगा रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है आज की सोचो, ये सही बात है, पोएम में कहा गया है कि ना भविष्य की चिंता करो और ना जो बीत गया उसकी चिंता करो, तो ये सही होगा, तो आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर है सब कुछ सहो, कष्ट सहो, तकलीफ सहो, खुशी सहो, गम सहो, कांटों में रहना, जैसे फूल कहते हैं ना कांटों में रहना सीखो, तो तकलीफ में, कठिनाई में, सब में, सब कुछ हमें सहन करना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, ये भी राइट होगा, ठीक है। फिर है मन खुश रखो, हाँ पोएम में कहा गया है अपने मन को हमें खुश रखना चाहिए, तो ये भी राइट हो जाएगा। ओके, देन आपका है आगे की चिंता करो, ये क्या बात सही है, ये बात सही नहीं है, हमें फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं लेना, आज के बारे में सोचना, जैसे लिखा ना आज की सोचो तो वो सही हो गया, आज की सोचो सही है, लेकिन आगे की चिंता करो ये रॉन्ग होगा, ठीक है बच्चों, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। तो बच्चों ये आपको बुक पर भेजा जाएगा, आप इसको समझ के पढ़ के बुक में कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर है बहुविकल्पी प्रश्न, आपकी बुक में दिया है फूल क्या छोड़ने को कह रहे हैं, फूल क्या छोड़ने को कह रहे हैं, का आंसर होगा फूल कह रहे हैं गुमसुम रहना छोड़ो, ठीक है, इसका आंसर होगा फूल कह रहे हैं गुमसुम, गुमसुम, ठीक है। ओके, फूल कह रहे हैं गुमसुम रहना छोड़ो, ठीक है, गुमसुम रहना, ओके, ये वाला सही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये देखो बच्चों इसका होगा गुमसुम रहना छोड़ो, ओके, ये सही होगा। फिर है खाना पर आज अभी की सोचो का अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है, आज अभी की सोचो, इसका मीनिंग है इसी समय की सोचो। ओके, क्या इसका है, इसी समय की सोचो, ओके, इसी समय की सोचो, ये हो गया बच्चों इसका। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में दिया है मैचिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है मैचिंग करना, ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है, उल्टे अर्थ, अपोजिट, आप इंग्लिश में पढ़े ना अपोजिट वर्ड्स, ब्लैक का वाइट, है ना, थिक का थिन, है ना, अप का डाउन, वैसे हिंदी में होता है अपोजिट, अपोजिट, जैसे कि हंसना का क्या होगा, हंसना का होगा रोना, आज का कल, आगे का पीछे, चिंता का बेफिक्र, निश्चिंत, बेफिक्र रहना, खुश, उदास, भूलना, याद रखना। ओके बच्चों, उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, शब्दों के शुद्ध रूप पर गोला करें, जो राइट है उस पर आपको गोला करना है। तो पहली लाइन में राइट होगा आपका, पहला वाला जो आपका राइट होगा वो होगा मुस्काते, ये भी राइट है, मैंने आपको समझाया था पढ़ाते समय कल कि ये जो मुस्काते हैं ये भी सही है,
और मुस्काते, मुस्काते, ये भी गोला आपको करना, दोनों में गोला करना क्योंकि ये दोनों ही सही है, मुस्काते और मुस्काते, हाफ और फुल, ये दोनों साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट सेकंड लाइन में कांटों, तो कांटों कौन सा सही होगा, जिसमें चांद बिंदु होगी, तामे भी बिंदु होगी, ये होगा कांटों, ये वाला सही होगा। ओके बच्चों, फिर थर्ड लाइन होगी खुशियाँ, तो खुशियाँ कौन सी सही होगी, जिसमें खा में छोटा ओ की मात्रा, सीटी वाली सा में भी छोटा ओ ई की मात्रा और या में चांद बिंदु, खुशियाँ, ये वाली खुशियाँ सही होंगी। ओके लास्ट लाइन है मौसम, तो मौसम मा में ओ की मात्रा, मौसम हो गया मौसम, ये वाला राइट है बच्चों। ओके इसके बाद फिलिंदा ब्लैंक्स है, फिलिंदा ब्लैंक्स में बच्चों क्या है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उससे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे यह डैश का फूल है, ऑप्शन में है गुलाबी पानी राष्ट्रीय कमल, तो कौन सा फूल है, कमल का फूल है। ओके तो हम लिखेंगे, लिख रहे हैं ये कमल, ओके कमल, कमल का फूल है, ठीक है। फिर है यह हमारा फूल है, यह हमारा क्या फूल है, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है, कौन, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है, राष्ट्रीय, ओके राष्ट्रीय, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। यह डैश में खिलता है, काहे में खिलता है, पानी, पानी में खिलता है, ठीक है। यह कमल का फूल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और कमल किस में खिलता है, पानी में खिलता है। इसका रंग प्राय कैसा होता है, गुलाबी, ओके गुलाबी, प्राय मैंने अक्सर यानी ज्यादातर यह गुलाबी कलर का पाया जाता है बच्चों। उसके बाद कविता में से तीन तीन बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखें, ये आपको करना है, लेकिन फिर भी हम इसको लिख देते हैं, आप अपनी बुक में इसको लिख लीजिएगा। ओके तो चिल्ड्रेन ये आपका लास्ट, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कविता में से तीन तीन बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखें। ओके तो बिंदु और चंद्र बिंदु, ये है बिंदु वाले और ये है चंद्र बिंदु, ये बिंदु हो गई आपकी और ये चंद्र बिंदु हो गई आपकी। ओके तो ये चिंता मंद संदेश, हंसना कांटा खुशियाँ, ये आपके हो गए बिंदु और ये चंद्र बिंदु वाले। ओके चिल्ड्रेन तो आप इसको बुक में आप कंप्लीट कर लेंगे, सुंदर हैंड राइटिंग में कर लेंगे, इसका पिक्चर भी हम आपको भेजेंगे, उसको भी देख करके आप अपनी बुक वर्क पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई डाउट होगा तो आप गूगल मीट क्लास में कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके चिल्ड्रेन टेक केयर, बाय।